الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين أما بعد عز اسمه قال في مصحفه التنزيل ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إلى آخر الآية صدق الله العظيم قال سبحانه وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد وبارك وسلم عزت مآب صدر جلسہ اور مہمان خصوصی اور سامعین کرام و انتظامی کمیٹی مسجد حاضر اور پس پردہ سننے والی مائیں اور بہنیں آج ہم دسویں محفل منعقد کیے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے کہ کل ہماری گفتگو بلا تمہید میں آگے بڑھ رہا ہوں کل ہماری گفتگو رات تک ہوئی تھی کہ اب یہ ہے کہ غار کے عجائبات بھی کچھ سپرد قلم کیے گئے ہیں لیکن وقت کی گنجائش بھی ایک چیز ہوتی ہے اور کم وقت میں زیادہ سے زیادہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلوؤں سے روشناس ہونا بھی ہے انشاءاللہ پھر کسی وقت وہ آپ کے گوش گزار کرو سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں غار میں دو حضرات ہیں اور عالم یہ ہے کہ دشمن تلاش کرتے 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 جگہ جگہ اعلانات جگہ جگہ چوکیاں لگائی گئی کہ جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی کو جس حالت میں بھی لائے اس کو 100 سرخ اونٹوں کا انعام دیا جائے گا۔ اس زمانے میں کسی کے پاس پہننے کے لیے 2 جوڑی اگر کپڑے ہو تو وہ ابھی سمجھا جاتا تھا 2 جوڑی کپڑے، وہ بھی کپڑے سلے ہوئے نہیں، چادر احرام کی شکل میں جو ہوتے ہیں، ایک تیمن کے طور پر اور ایک قمیص کے طور پر، 2 جوڑی اگر ہو تو وہ ابھی سمجھا جاتا تھا۔ اب اگر کسی کے پاس سواری، خچر، گھوڑا یا گدھا بھی ہے تو وہ بھی امیر سمجھا جاتا تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیے جس کے پاس خالی اونٹ ہو تب تو وہ امیر الامرا ہے، اگر سرخ اونٹ ہو تو کیا کہتے ہیں۔ یہ لالچ دیا گیا سرخ 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ تلاش کرتے 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 انہوں نے مکے کی پوری چھان ماری، گلی کوچہ سڑکیں عام راہیں خفیہ راستے سبوں پر دشمن بھیجے۔ بالآخر امیہ، یہ شروع سے اسلام دشمن، نبی کا دشمن، مسلمانوں کا دشمن، یہ
एक आदमी के साथ तलाश करते 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 उस घर तक घर के करीब पहुंचा, सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु की आंखें छलक पड़ी और दिल ही दिल में कहा, अब वो तलाश करते करते लोग बदल कर घर के ऊपर आ गए, घर के ऊपर आ गए, ये अब तो दिल की धड़कनें और तेज हो गई। उन्होंने कहा, रहमत कौमैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हमें तलाश ना करें कोई बात नहीं, लेकिन वो अगर अपने पैरों को भी देख लेगा तो हम नजर आ जाएंगे। अल्लाह ये जो इशार, ये जो कुर्बानी थी अबू बकर को अपनी जान की नहीं बल्कि जाने आलम मुस्तफा की, वो तो जिस दिन इस्लाम लाए अपना तन मन धन सब कुछ लुटा दिया था नबी पर। अब यहां भी कल जो आपने सुना, जान को अपने खतरे में डालकर ये पहले आए घर में, बाद में हुजूर को बुलाया, अब ये सब या रसूल अल्लाह, अगर वो अपने पैरों को भी देख लेगा तो हम नजर आ जाएंगे। इतने में जिब्रील आए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ला तहज़न। यहां पर एक इल्मी नुक्ता है, ला तखफ भी तो कहा जा सकता था, खौफ और हुज़्न में फर्क है। खौफ मादी चीजों का होता, हुज़्न मानवी चीजों का होता, और खौफ खुद के लिए हो तो खौफ होगा, ईसार और जज्बे ईसार हो तो हुज़्न होगा। क्योंकि अबू बकर को अपनी जान की नहीं थी, जितनी फिक्र थी हुजूर की फिक्र थी। उसके बाद ऐसी तसल्ली अल्लाह ने दी कि जिब्रील आए और इस अंदाज से शान सिद्दीकी बयान की कि दुनिया आज भी वो शान लिखते लिखते कलम सूख जाएंगे, वो शान पूरी नहीं होगी। क्योंकि रब ने फरमाया है, सानियस नहीं, दोनों में हर दूसरा बार में था, एक दूसरा फिर दूसरा, सानियस नहीं इधुमा फिल गार, गार में थे, उस गार का भी जिक्र किया। फिर उसके बाद फरमाया, इद यकूलु लिसाहिबी ही, और वो अपने साथी से कह रहे थे, यानी नबी अपने साथी से कह रहे थे, ला तहज़न, रंजीदा ना हो, इन्नल्लाह माना, अल्लाह की जात हमारे साथ है। फ़ंज़लल्लाहु सकीनतह। अब यहां पर ये दुश्मन उमैया की आवाज सिद्दीक अकबर सुन रहे, अंदर से उमैया कह रहा है, जा इस घर के अंदर। उसने कहा, क्या हो गया तुझे, देखता नहीं, ये घर इतना पुराना है, कबूतर भी अंडे दे दिए हैं, मकड़ी ने भी जाना भूल लिया है, अब इसमें जाऊं, तेरी अकल को क्या हो गया, अगर इसमें कोई गया हुआ होता तो क्या ये जाले सलामत रहते, ये अंडे महफूज रहते। तो उमैया को उसने ये बात कह दी, उसने कहा चलो चलते हैं। तीन दिन इस गार में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सैयदना सिद्दीक अकबर रहे, और आपको अंदाजा है नजरे नबी का कमाल। हालांकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जानिसार सहाबा इकराम के साथ होते थे तो नजर पड़ती थी, कभी अबू हुरैरा पे, कभी अब्दुर्रहमान बिन औफ पे, कभी उमर पे, कभी अबू बकर पे, कभी फुला सहाबी पे, कभी फुला सहाबी पे नजरें बढ़ती थी। अब यहां पर तीन दिन मुस्तफा की सोहबत और मईयत और नजर का कीमिया भी अबू बकर को मिल गया। ये नजर तकसीम नहीं थी, पूरी तवज्जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अबू बकर को हासिल। इसके बाद आप आगे आइंदा सुनेंगे। अब तीन दिन में हजरत अबू बकर ने ऐसा इंतजाम किया था बार में कि शाम के वक्त आपके साहबजादे हजरत अब्दुल्ला बिन अबू बकर ये गार की तरफ आना और कुछ खाने पीने की चीजें देना, और सुबह जो चीजें दी गई थी वो शाम में वापस लेके जाना, ये इनकी ड्यूटी थी। और आपके गुलाम थे गालिब इब्ने फुहैरा, ये इनके बकरियां चरवाते थे सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु। इनका काम यह था कि रात के वक्त जब सूरज बिल्कुल ढल जाए
उस सूरत में बकरियों का दूध देना उन्होंने पाक और सिद्ध होकर सिद्धियत होते माँ की बारगाह में पेश कर दिया। ये रोटियां अलग अलग और हजरत अब्दुल्ला को एक और जिम्मेदारी थी कि मक्के में क्या चल रहा है, हालात क्या से क्या हो रहे हैं, खुसूसन रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कुछ साजिशें रची जा रही है उसकी इत्तला है। ये रोटियां थी, ये अपनी अपनी हर जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे थे, किसी को पता भी नहीं चल रहा था। तो अब रास्ते ये बना दिए गए थे कि मक्के से मदीने का जो आम शाहरा है, आम रास्ता है, इस पर से तो जाना कोई जवामर्दी नहीं थी और अकल भी नहीं चाहती थी, क्योंकि यहाँ एक कदम आप आगे बढ़ते कोई ना कोई गिरफ्तार कर लेना। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने पहले से इंतजाम किया था, दो ऊँटनियां खरीद ली थी, 400 दिरहम में एक, 400 दिरहम में। जब ऊँटनी पर सवार होकर मदीना जाने लगे तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर एक ऊँटनी मुझे कीमतन दो ताकि मैं इस पर सवारी कर सकूं। अबू बकर सिद्दीक रोए और कहा, या रसूल अल्लाह, गुलाम सर से पैर तक आपका है, क्या कीमत की बात करते हो? अगर अबू बकर नबी पाक से सुनने पर मैं नहीं, हिजरत इबादत है, इबादत उस में नहीं होती। ये भी रुकता है उलमा ने, बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके 4000 दिरहम ऊँटनी की जो कीमत थी वो अदा कर। अब ये लोग निकले, अच्छा आम रास्ता होगा तो किसी से पूछते पूछते मंजिल तक पहुंच जाते, लेकिन ये जो रास्ता था खुफिया पहाड़ी रास्ता था, और उस जमाने में ऐसे लोग भी थे जो नशानात कदम को देखकर शख्सियत का पता भी लगाते थे। अब ये हजरात निकले, अबू बकर कभी सामने कभी पीछे कभी दाएं कभी बहुत दूर नजरों से ओझल, और सबसे आगे एक यहूदी था जिसको आपने उजरत पर लिया था कि बहिफाजत तमाम मुकम्मल सिक्योरिटी के साथ हमें मदीना तक पहुंचा दे, और ये किसी से बात नहीं करता था, बिल्कुल सामने सामने रहता था। ये दो हस्तियां पीछे पीछे आ रही थी, पीछे पीछे, मगर अबू बकर कभी आगे कभी पीछे कभी दाएं कभी बाएं कभी नजरों से ओझल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर ये क्या तरीका है तुम्हारे चलने का, कभी आगे चले जाते हो कभी पीछे? रसूलुल्लाह, मैं इसलिए जाता हूँ ताकि कोई दुश्मन हमें देख ना, देखो रास्ता भी चल रहे हैं तो अपनी कोई फिक्र नहीं है, ये तो आगे भी बढ़ रहे हैं पीछे भी जा रहे हैं, लेकिन जो फिक्र है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्र। अब चल ही रहे थे, सुराखा इब्ने मालिक ये दरमियान में आ गए, अभी ये इस्लाम नहीं कबूल किए थे, दरमियान में आ गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको देखा और पहचान लिया, पहचानने के साथ ही जैसे ही इनकी ऊँटनी को देखा तो घुटनों के बल तक ऊँटनी जमीन में फंस गई, क्योंकि ये नाबा के इरादे से आए थे, वो इनाम की लालच सुनकर ये हुजूर को तलाश करने के लिए आए। अब ये देखिए, अच्छा वो खुद कहते हैं बाद में, वो जो जमीन से हम जा रहे थे कोई नरम जमीन भी नहीं थी कि पैर फिसल जाए और फंस जाए धस जाए, संगलाज जमीन थी, पथरीली जमीन थी, पहाड़ी रास्ता था, पर मेरी ऊँटनी कैसे धंस गई मैं ये नहीं जानता। उसके बाद मिन्नत समाजत की, या रसूल अल्लाह, मैं यहाँ से वापस जाऊंगा, अब दोबारा आपको तंग नहीं करूंगा, दुआ कीजिए आप मेरी ऊँटनी सही सलामत वापस आ जाए। तो जो पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की तो फिर इसकी ऊँटनी सही आ गई। फिर थोड़ी देर के बाद आगे बढ़े तो फिर ये दूसरे रास्ते से फिर उनके सामने आ गया, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इसकी ऊँटनी को देखी, अब पेट तक वो फंस गई, अब और चिल्लाया चीखा शोर मचाया और कहा कि रसूल अल्लाह, अब तो एक वादा ये भी किया, अब आपकी तलाश में जो आ रहा है मैं उसको रोक दूंगा कि मैंने किसी को नहीं देखा। जो फिर उस पर रहम कर दिया, जुमला 7 मरतबा इसने वादा किया वादा तोड़ा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर बार इसकी बात को सच समझा। ये उसवा पेश किया, हो सकता कोई मजबूरी में किया होगा, इनाम की लालच में किया, सातवीं मरतबा
جب اس نے عزم مصمم پکے ارادے کا اظہار کیا, رسول اللہ اب یہاں سے واپس جانا ہو, جو قافلہ ملے گا آپ کا دفاع کروں گا اور کہوں گا کہ میں یہاں سے آ رہا ہوں اور مجھے راستے کے بارے میں جتنا معلوم ہے, عرب کو پوچھو, عرب مجھے کہتے ہیں راستوں کے بارے میں کچھ بات اگر پوچھ رہی ہو, میں کہہ رہا ہوں جاؤ واپس یہاں سے کوئی نہیں, میں اب پکی یہ بات کر رہا ہوں. اس کو قریب بلایا اور کہا سراقہ تیرا کیا حال ہوگا اس وقت جب تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن ہوں گے, کسرا کے کنگن تو پہنے گا. مسکرایا سا اور کہا رسول اللہ کیا عجیب بات کہہ رہے ہیں آپ, کہاں کسرا, ایران کا بادشاہ, وہ تو اپنی عوام کو یہ کہتا تھا میں تم سب کا پروردگار ہوں رب ہوں, اور اتنا پاور فل بادشاہ, اس کے ہاتھ کے سونے کے کنگن میرے ہاتھ میں آئیں گے؟ تو حضور نے فرمایا آئیں گے. اب یہ واپس ہوئے, شروع میں تو اسلام نہیں لائے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف اور حنین, بدر اور حنین سے واپسی کے وقت یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے, حضور نے انہیں قریب بلایا اور یہ دولت ایمان سے مشرف ہو گئے اور حضرت عمر کے زمانے تک حیات رہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتوحات, یہ بن فتح وہ بن فتح, بن آخر ایران فتح ہوا اور وہاں سے اس کا مال غنیمت جب اٹھا لایا گیا, بیت المال میں جمع کیا گیا, دیکھا تو اس کے کنگن تھے. حضرت عمر نے کہا سراقہ کو بلاؤ, ہجرت کی راہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے اور انعام کی غرض سے, انعام کی لالچ اور انعام کی حرص میں وہ گیا تھا, مصطفیٰ نے ایسے حریص اور لالچی کو بھی انعام سے نوازا, وہ میری تلاش میں آیا تھا, حضور نے اس کو اس سے زیادہ انعام دیا اور اس کنگن کو لایا گیا اور حضرت سراقہ کو بلایا گیا اور یہ کنگن آپ کو پہنا ہے. یہاں میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, سونا گولڈ مرد کے لیے حرام, اب یہ نہیں بولنا شادی میں پہن دینا, وہ سب شادی میں پہننا دلیل جائز ہونے کی نشانی نہیں ہے, ٹھیک, مرد کے لیے سونا نہ جائز. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سراقہ کے لیے کیسا جواب کیسا جائز فرما دیے, یہ سونا کا کنگن کیسے پہنے؟ تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہزار دلیلیں پیچھے, اس دفعہ جو کہے شریعت اور جس کے لیے جو فرمائیں وہ شریعت, اختیارات مصطفیٰ ایک مستقل ٹاپک ہے. حضور جس کے لیے جو فرما دیں, جنگ میں ایک صحابی کی ناک شہید ہو گئی, وہ آئے حضور کے پاس آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ میری ناک, صبر کر لو اللہ جنت میں اس سے بہتر عطا کرے گا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صبر کروں گا, میں کروں گا مگر میری بیوی برداشت نہیں کر سکتی. اگر آپ اس کو حضور نے فرمایا کیا تیرے پاس پیسے روپیے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں. حضور نے فرمایا سونے کی لگا ہے. حضور جس کے لیے جو فرمائیں وہ شریعت, تو سراقہ کے لیے اگر کنگن کا حکم دیں, یہ مختار نبی ہیں, نبی مختار ہیں, ان کے اختیارات کو سمجھیں. تو بہرحال یہ انعام ان کو نوازا گیا ہے. آگے بڑھے, ایک شخص نظر آیا, اس وقت نظر آیا جب کہ راستے میں ایک پہاڑی علاقہ آیا, تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر آرام کے لیے رکایا اور فرمایا یا رسول اللہ آپ تھوڑی دیر آرام کر لیں. یہ کیسی قربانی ہے, یہ بھی چل رہے ہیں وہ بھی چل رہے ہیں, یہ بھی تھک رہے ہیں وہ بھی تھک رہے ہیں, لیکن ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنی جان کی فکر کیے بغیر ہر بار آرام کا, کھانے کا, پینے کا, حضور ہی کا خیال کر, آپ حضور کو آرام کے لیے جٹائے. اس کے بعد آگے بڑھے, دیکھا تو ایک شخص ایک چرواہا ملا, آپ نے اس کو قریب بلایا اور پوچھا تو کون ہے؟ کہا وہ اگر مجھے نہیں پہچانتے میں مکے کا ہوں. ارے یہ تو پہچان والا نکل گیا. تو بولے کہاں ہے؟ میں بکریاں چرانے آیا. کیا تیری بکریوں میں کوئی ایسی بکری بھی ہے جس کے تھنوں میں دودھ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے. تو بولے پیش کرو ہمیں. چنانچہ اس نے پیش کیا. اب یہاں یہ لے کر حضور کی بارگاہ میں آئے, تشریف لائے تاکہ حضور کو میں یہ پیش کروں, حضور نوش فرما لے. اب دیکھیے سر حضور آرام فرما رہے ہیں,
उठाना बेअदबी समझा। वो तो जब सांप काटा था तब भी नहीं उठाए थे, सांप के डसने को बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन आंसू ने उठा दिया था। आंसू जो आंखों से छलके थे उसे मुस्तफा पर गिरे थे, उससे हुजूर ने गर्मी महसूस की और फूटे थे। अब यहाँ उठाना मुनासिब नहीं समझा, दूध का कटोरा लिए हुजूर के पास खड़े रहे। अब खुद जब हुजूर बेदार हुए तो प्याला पेश अगर कोई घर नजर आए या कोई मुसाफिरत खाना नजर आए तो मुसाफिर को बड़ी राहत पहुंचती है कि यहाँ कुछ चीजें मिल जाए। एक घर मिला जो इंतहाई खस्ता हालत में था, वो था उम्मे माबत। एक खातून है उम्मे माबत, ये अभी दौलत ईमान से मुशर्रफ नहीं हुई थी। इनके पास से हुजूर गुजरे, दो हस्तियां थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी वो देखी, सैयदना अबू बकर सिद्दीक को भी देखी। हजरत अबू बकर सिद्दीक आगे बढ़कर कहने लगे कि तुम कौन हो? कहा मैं उम्मे माबत हूँ। कहाँ रहती हो? तो यही रहते। क्या तुम्हारे पास हमारी ज़ियाफ़त के लिए कुछ है? कहा कुछ नहीं है, एक बकरी है जो कमजोरी और ज़ौफ की वजह से दूध भी नहीं दे सकती। अगर ज़बह करना है तो इसी को ज़बह करके खा लो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा या रसूल अल्लाह, एक बकरी है जो दूध देने की उम्र को भी नहीं पहुंची है, दूध दे भी नहीं, कमजोर है, बहुत कमजोर है। हुज़ूर ने फरमाया उसको लाओ। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उसको लाया गया तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी पुश्त और कमर पर हाथ फेरा और उसकी थनों पर हाथ फेरा, उसी वक्त उसकी थनों से दूध टपकने लगा। उम्मे माबत ये देखकर हैरान हो गई। अबू बकर सिद्दीक ने कहा कोई बर्तन हो तो लाओ ताकि मैं इसका दूध धो लूं। वो इतना बड़ा बर्तन लाए कि 8-10 आदमी आराम से उसमें सैराब हो सके। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने दिला इसका दूध होया कि खुद पहले उम्मे माबत को दिया। तू कह रही थी ना कि इसमें दूध नहीं है, ये ले दूध आ गया है, पहले तू पी। चुनाचे उनको पिलाया गया, उसके बाद अबू बकर सिद्दीक को दिया, सरकार दुआ में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया और भी। उसके बाद कहा और बर्तन लाओ तो और जो उनके घर में कटोरे गिलास बर्तन जो भी थे सब दे दिए, सब भर गए, सब भर गए। उसके बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक ने उनसे इजाजत दी, इजाजत मांगी और कहा कि कभी जरूरत पड़े तो हमारे पास आ जाना, इस ज़ियाफ़त का बदला तुझे दिया जाएगा। अभी आगे बढ़े, शाम हुई, इसका शौहर घर आया और देखा कि घर में एक रोशनी महसूस हो रही है और दूध इतना दूध है। पूरी बकरियों को तो वो ले गए थे चराने के वास्ते, अब ये आएंगे दूध धोएंगे तो घर में दूध होगा ना, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि पूरे बर्तन दूध से भरे हैं। कहा उम्मे माबत ये क्या देख रहा हूँ, ये दूध कैसा? कहा इस बकरी का। कहा इसको तो दूध नहीं आता था। कहा यकीनन नहीं आता था, ये बात मैं भी जानती थी, लेकिन मैंने दो आदमियों को देखा, कौन थे नहीं जानती, क्या नाम था नहीं जानती, कैसे थे, दूर से जितने खूबसूरत दिखते थे करीब आने के बाद हुस्न दोबारा हो जाता था। घनी दाढ़ी थी, आंखें बिल्कुल खूबसूरत, पलकें दराज थी। हुजूर के हुस्न का उन्होंने तो कसीदा पढ़ दिया, ऐसा कसीदा पढ़ा। आज भी बुखारी मुस्लिम तिर्मिजी खास तौर पर, इमाम तिर्मिजी को यह शर्फ हासिल है कि उन्होंने शमाइल मुस्तफा हुजूर के सिफात पर मुस्तकिल एक बाब बांधा है और पूरी दुनिया में शमाइल तिर्मिजी मशहूर है। हुजूर के कदो कामत हील डोल मोटापन दुबलापन ये सारी चीजें, कदे मुबारक कैसा था, हथेली मुबारक कैसी थी, आंख मुबारक कैसी थी, बीवी मुबारक कैसे थे, दंदाने मुबारक कैसे थे, सब पर हदीस में आई है। और उम्मे माबत का भी ये पूरा वाकया उन्होंने लिखा है कि हुजूर के हुस्न की उन्होंने कैसी तारीफ की। आवाज में ऐसा जादू था, जब बोलते थे तो मोती खुद ब खुद जमते थे।
ये तारीफ की, इतनी तारीफ की शौहर के सामने। अबू मामद ने कहा, अरे नाम क्या था? नाम कुछ नहीं, शायद मुबारक होगा। शायद क्योंकि इतनी बरकतें जब उससे हो रही है तो मुबारक होगा। अब शौहर परेशान, और उस दिन के बाद से इनका आलम यह हो गया, अबू मामद सुबह रोजाना बकरियों को ले जाते चलाने के, और शाम में आते। अब शाम में आने के बाद क्या होता, पहले बीवी बोलती कि खाना लगा दो, दस्तरखान बिछाओ। तो अबू मामद कहते ठीक है, दस्तरखान तो बिछेगा, लेकिन चलो उस मुबारक का पहले जिक्र कर लेते हैं कि उसकी शान क्या है। अब उम्मे मामद हुजूर का जिक्र करती 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 रोजाना महफिल मीलाद की उनके हिसाब से सजती। और बात इतनी तादाद को सुनने के लिए नहीं आती थी, लेकिन बोलने वाले बीवी, सुनने वाले शौहर और बेटा, हमेशा उन्हीं का तसव्वुर, उन्हीं का तज़किरा, उन्हीं का तसव्वुर, उन्हीं का तज़किरा। तारीख पढ़ो, इस मुंह से कहते हो कि किसी ने मीलाद नहीं मनाया। ये तो देहात में रहती थी, मदीने के रास्ते में रहती थी, इस खातून को किसने बता दिया? कोई किसी को। अब सहाबा की बात बाद में, पहले इनको पढ़ो, उम्मे मामद को पढ़ो, रोजाना क्या होता था इनके घर में। अब आलम यह है कि इस बकरी का दूध कभी सूखा नहीं। एक रिवायत के मुताबिक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद, सैयदना अबू बकर सिद्दीक के पर्दा फरमाने के बाद, हजरत उमर के दौर तक की बकरी जिंदा रही, और कभी इसका दूध खुश्क नहीं हुआ, कभी सूखा नहीं। जब भी दूध धोया जाता, इतना दूध बनता कि पीने के लिए तो हो ही जाता था, खीर जरूर बनाया करते थे वहां के रहने वाले। इस बकरी का जब दूध धोते थे, पीने के लिए तो काफी होता ही होता था, लेकिन इतना बच जाता था कि हम जरूर इससे खीर बनाकर पिया करते। ये बरसत थी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्त मुबारक। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर तो हुक्म मामद के रास्ते से गुजरे। अब करीब था कि मदीना आ जाए। अभी रास्ते पुरखतर पुरखतर, एक तहकीक के मुताबिक 8 दिन लगे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पुरखतर रास्ते से मदीना पहुंचने तक। अच्छा, मदीना पहुंचे, अभी इसका नाम मदीना नहीं, यसरिब था, यसरिब यशस था, इसके नाम से एक पूरा गांव आबाद था। सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहुंचे तो मस्जिद कुबा, जहां आज मस्जिद कुबा है, उस इलाका, उस कॉलोनी, उस बस्ती का नाम कुबा, यहां पहुंचे। यहां पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मस्जिद की तामीर की। वो मस्जिद आज भी है जिसको मस्जिद कुबा कहते हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था मदीने तैयबा से इस मस्जिद को हफ्ते के दिन फजर में, फजर की नमाज के बाद आया करते थे, 2 रकअत यहाँ नमाज पढ़ते थे। इसका सवाब ये है कि यहाँ जो कोई इस दिन आकर, अब तो हर दिन जाते हैं हज करने वाले और उमरा करने वाले, यहाँ पर जरूर आते हैं और 2 रकअत नमाज पढ़ते हैं, एक उमरे का सवाब पाते हैं। सुभानअल्लाह, ये की मस्जिद यहाँ था, अभी मदीना नहीं पहुंचे। अब मदीने वालों का क्या हाल था, यसरब वालों का क्या हाल था, वो भी थोड़ा सुन लीजिए। यसरब वालों का ये हाल था, सुबह वो लोग नाश्ते से फारिग होते और अपने अपने दरवाजों को बंद करते और आबादी से दूर आकर पूरे जमा हो जाते। और यही तस्करा, क्योंकि मदीना वालों ने पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा नहीं था, जो देखा था वो अलग थे, बहुत से लोग नहीं देखे, तकरीबन नहीं देखे। अब आते, खड़े होते, इंतजार करते 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 थक जाते, फिर दोपहर जब धूप बहुत ज्यादा तेज हो जाती थी तो वापस चले जाते। फिर दूसरा दिन यही मामूल था, जिस दिन से मालूम हुआ इनको कि हुजूर मदीने के लिए निकल गए हैं, इनकी रातें आंखों में कटती थी, इनके दिन सुकून से नहीं जाते थे। बस एक शौक था, एक वारफ्तगी थी, एक मोहब्बत थी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार और आपकी आमद पर खुशी मनाने का। रोजाना आते, दोपहर तक रहते, धूप तेज हो जाती, वापस चले जाते। एक रिवायत के मुताबिक अहले मदीना ने 1 महीना इस तरह इंतजार किया।
उसके बाद एक वक्त था कि सुबह की अव्वलिन साते बिल्कुल सुबह भी नहीं, बिल्कुल दोपहर भी नहीं, दरमियान का वक्त था। गुबार उड़ती हुई नजर आई, गुबार उड़ती हुई नजर आई। एक शख्स अपने घर के छत पर चढ़ा और वो काफिर था। उसने गुबार को देखा और कौम को पुकार कर कहा, ऐ अहले मदीना, जिसके इंतजार में तुम थे वो आ गए। मगर देखो नजर इतनी कमाल की थी, इल्म इतना ज्यादा था, तब भी वो ईमान की दौलत से मालामाल नहीं हुआ दुश्मन। तो अब अहले मदीना के क्या कहने सा खुशी खुश खुश खुश। अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, अब आ रहे हैं आ रहे हैं। एक जगह जहां साया था, एक बहुत बड़ा पहाड़ एक चट्टान नुमा था, वहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिठा दिया। अब यहां पर वो जो नजर का कमाल और मौजिजा देखे, तीन दिन गार में हुजूर की नजर अबू बकर को मिली। वैसे आम दिनों में मिलती थी, मगर वो बढ़ती थी पूरे सहाबा में। हुजूर कभी इसको देखते थे, कभी उसको देखते थे, कभी यहां तीन दिन की नजर और सोहबत का ये आलम हो गया कि हुजूर बैठे हुए हैं। अच्छा उम्र क्या थी उस वक्त ये भी देखें, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु बिल्कुल बुढ़ापे के करीब, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल जवानी के करीब, और चंद बार हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के सफेद हो चुके थे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफेद नहीं। कैसी तारीख है, ये कैसी उम्मत है, अल्लाह ने हुजूर के कितने बाल सफेद थे ये भी हमको बताया। सर मुबारक और दाढ़ी मुबारक में 14 बाल थे जो सफेद हो चुके थे। क्या जरूरत थी ये बाल गिना कर बनवाने की, क्या इससे कोई जन्नती या दोजखी होने का फैसला है? नहीं, लेकिन मोहब्बत। चलते कैसे थे वो भी बताया, गुफ्तगु कैसे करते थे वो भी बताया। इस नबी की हर चीज की अल्लाह ने हिफाजत करवाई, हद कर दी। बवक्त इत्तेहाल सर मुबारक और दाढ़ी मुबारक में जुमला 14 बाल थे जो सफेद हो चुके। अब यहाँ अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के बाल तकरीबन सफेद, हुज़ूर पाक सल्लम के पूरे बाल काले। कौम आई पूरे एक महीने के इंतजार में, कैसा उनका जोश व खरोश होगा, कैसी उनकी वारत लगी और इश्क मोहब्बत की ये दास्तां। ज़माना लिखते लिखते थक गया है, लेकिन उसमें अभी भी वो ताजगी बाकी है, अभी वो खुशबू बाकी है। वो रास्ते आज भी जिस पर, जिस रास्तों से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिले मदीना हुए, वो आज भी महकते हैं। आए तो लोगों ने देखा, यहाँ तो दो हस्तियां हैं जो ज्यादा बुजुर्ग थे, वो अबू बकर थे। तो लोगों ने इनका हाथ चूमना, इनसे मुसाफा करना शुरू कर दिया, बल्कि तकरीबन तो ये समझे कि यही हुजूर है, यही मोहम्मद है। अब यहां पर उलमा इकराम लिखते हैं इसकी वजह ये थी, अहले मदीना एक मोहम्मद की तलाश में थे, यहां दो मोहम्मद आए। नजर की, तवज्जो की आप निशानी देखें, कोई फर्क नहीं हुजूर में और इनमें, कोई फर्क नहीं। ये था नजर का कमाल, ये नजर का कमाल, नजर का एहजाज। लोग परेशान हो गए कि कौन इस, अच्छा ये तो ये है, ये तो बहुत बुलंद बाला है। बादशाह ने वक्त अपने अपने कासिद को भेजते थे कि जाओ मोहम्मद की महफिल में बैठो और वो क्या कहते हैं सुनकर आओ। जब आते थे मजलिस भरी है, हुजूर बैठे हैं, अब वहां को देखा कि उसको मिलना है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन मजलिस पर जब वो नजर डालता है तायराना, तो ऐसा मालूम होता है अरे मैं तो यहाँ एक मोहम्मद की तलाश में आया था, यहाँ तो पूरी मजलिस मोहम्मद है। मजबूरन वो पूछता था, मन मोहम्मदुन फीकुम, तुम में मोहम्मद रसूलुल्लाह कौन है? तब सहाबा बताते कि ये वाका है, हम सब उसके गुलाम। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। क्यों? जाहिरी लहिया उशरा कपड़े बात करने का अंदाज बिल्कुल वो उनमें समा गया था, वो समझ चुके थे हुजूर के उसवे को और नमूने को। सीरतुल नबी के इस जलसे से ये पैगाम है, हमें नसीहत है, इबरत है
کہ اس کو کہتے ہیں اسوہ اور اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں پر لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہاتھ چوم رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ نبی ہے یہ نبی. اتنے میں سورت تھوڑا سا اور بلند ہوا, تو جب بلند ہوا تو سایہ جو چٹان کا تھا وہ ہٹ گیا, اب دھوپ سیدھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے لگی. ابو بکر نے کچھ نہیں کہا لوگوں کو, کیوں؟ ان کے ذوق شوق میں کوئی خلل نہ ہو, ان کے جذبے میں, ان کے استقبال میں کوئی فرق نہ آئے, خاموش رہے, خاموش رہے. جیسے ہی دھوپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی تو اس وقت آپ نے اپنی چادر نکالی اور حضور پر سایہ کر دیا. اب زمانہ سمجھا, یہ غلام ہے اور یہ آقا ہے. یہ اسوہ ہے, یہ اطاعت ہے, یہ عشق ہے. اب آپ دیکھیے اور آگے بڑھتے ہیں. اس وقت اب مدینے میں داخل ہو رہے ہیں, اب تک اس کا نام یثرب ہے, یثرب ہے, یثرب ہے. اب آ رہے ہیں, عالم کیا ہے وہ دیکھیں. پہلے تاریخ نے ایسے ایسے تصورات, ایسے ایسے تصدیقات پیش کیے ہیں, عقل دنگ ہے. بات یہ ہے کہ ہم پڑھتے نہیں, دو صفحے ہم سے پڑھنا ہوتا نہیں, اعتراض برابر کرتے ہیں. پڑھو تاریخ مکہ, پڑھو تاریخ مدینہ, پڑھو اور خصوصاً یہ منظر پڑھو جس میں حضور مکے سے یثرب کی طرف جب آئے اہل مدینہ کا کیا حال تھا. تو آپ دیکھیے, عورتیں چھتوں پر, مرد حضرات ادھر ایک لائن بنائے, ادھر ایک لائن بنائے, اور کچھ 500 صحابہ حضور کے اطراف جھرمٹ پہ, کیا منظر ہے دیکھ رہے ہیں آپ. اور بچے بچیاں, چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں, یہ بالکل سامنے, اور یہ پروٹوکول دے رہی ہیں حضور کو, استقبال کر رہے ہیں حضور کا. اچھا آنے کا کوئی دن طے تھا؟ بولیے, حضور کے آنے کا کوئی دن طے تھا؟ نہیں. وقت طے تھا؟ نہیں. تو پھر ان بچیوں کو دیکھو, اللہ نے آپ کو یہ صلاحیت دی ہے کہ اگر وہ اپنے دماغ کا استعمال بر وقت کرتے ہیں تو صحیح نتیجے پر بھی پہنچتے ہیں. اب ان بچیوں کو, جیسے ہمارے پاس, آپ کے پاس ہوتا ہے جب کوئی بڑا آدمی آ رہا ہے تو اس کی شان میں توصیفی اشعار, اس کی تعریف میں اشعار لکھاتے ہیں اور بچوں کو تیار کرتے ہیں کہ جب یہ آ جائیں گے تو یہ پڑھنا. یا کوئی قومی ترانہ ہے, بچوں کو تیار کرتے ہیں یہاں پر یہ ایکشن کرنا, یہاں پر ایسا کرنا, یہ سب ہوتا ہے نا, تیاری پہلے سے ہوتی ہے. یہاں پر دیکھیے, روزانہ آ رہے ہیں واپس جا رہے ہیں, آ رہے ہیں واپس جا رہے ہیں, نہ وقت طے ہے نہ دن طے ہے آنے کا. اب یہ یہاں پر جب آ گئے, اچانک کوئی تیاری نہیں, کچھ نہیں, معمول کے مطابق آئے تھے, ایک نے اوپر چڑھا اعلان کر دیا کہ آ گئے ہیں جس کا تم انتظار کر رہے ہو. اب دیکھیے صاحب, یہ استقبال, ایسا استقبال کہ عورتیں بلندی پر, چھتوں پر اور مکانوں پر, مرد حضرات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, بزرگ حضرات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں دف بجاتی ہوئی. اب حضور اندر آ رہے ہیں, اس کا نام یثرب ہے. اب سنیے, بچیاں حضور کے استقبال میں کیا کہتی ہیں. تعالی زمانہ ان بچیوں نے ایک بار وہ ترانہ پڑھا تھا,
जमाना आज भी ये तरह ना पड़ता है, हम इतने 1450 वर्ष बाद भी इस मस्जिद में बैठकर वो तरह ना पढ़ रहे हैं। दूसरा शेर मुलाहिजा हो, ये यसरब था, आज से यसरब नहीं। जीता शर्रत मदीना, आने वाले आपके लिए मुबारक हो कि आपका आना यहाँ पर रहना। एक सहाबी रोते हुए हुजूर की खिदमत में आए और कहा, या रसूल अल्लाह कहीं हमको छोड़कर तुम नहीं जाओगे, सत्य मतलब हो जाएगा। अभी मक्का फतह नहीं हुआ, मक्का फतह हो जाएगा तुझका हमको छोड़कर चले जाओ। हुजूर ने फरमाया, कभी इतना मुल्ला तुम्हारा खून मेरा खून है, खुश हो जाओ, मेरी कब्र भी तुम्हारे शहर में हो। ये था सहाबा का इश्क जो हुजूर को इस शान से लाए। अब लोग इतराज करते हैं, कहां लिखा है जुलूस, ये क्या है? हुजूर की आमद पर इन बच्चियों को किसने दिल में डाला? कैसे पाकीज़ा अशआर, ऐसे मोहब्बत वाले अशआर किसने कहा? और इन औरतों को क्या जरूरत थी जबकि हुजूर इतने रहने के लिए आए हैं? ये ऊपर चढ़ी इस्तेमाल प्रोटोकॉल। अरे हम दुनियादारों को देखते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स को देखते हैं, कैसे उनके इस्तेमाल होते हैं। जिसकी कायनात जिसके सबके में बनी उसके इस्तेमाल पर, उसके जुलूस पर तुम्हें एतराज है? एतराज तुम्हारा बजा हो उन गलतियों की वजह से जो हमारे नौजवान कर रहे हैं। गाजे बाजे नीचे न जाने और क्या क्या बुराइयां उसमें होती हैं। खुदा ऐसा एहतमाम करिए ना। ये अशआर पढ़ते हुए आई है और देखिए कैसा आपका जुलूस होगा। अब हर कबीला, कबीले आदी है, कबीले बनो तबी है, कबीले कैमोरा है, कबीले अब्दुल अशल है, फुला फुला जितने कबीले हैं, हर कबीला यही चाहता है कि हुजूर मेरे मेहमान गए, हुजूर मेरे मेहमान गए। लेकिन नहीं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे कहा, अल्लाह तुम्हारे घरों में तुम्हारी आबादियों में बरकत दे। एक सहाबी आगे बढ़े और कहे, या रसूल अल्लाह हमारे पास रुकिए, हमारे पास लोग भी हैं आप जो आपकी हिफाजत करेंगे, रुपया पैसा भी है जरूरत पड़ने पर खर्च करेंगे, बागात भी हैं जो जिंदगी की हर सहूलत को पूरा करने के लिए तैयार है। हुजूर ने फरमाया, अल्लाह तुम्हें और बरकत दे। एक ने ऊंटनी की लगाम पकड़ ली और कहा, अब इसको जाने नहीं दूंगा। हुजूर ने फरमाया, छोड़ दो दड़ूहा फइन्नहा मामूरतुन, इसको छोड़ दो क्योंकि इसको अल्लाह की तरफ से जहां हुक्म मिलेगा वहां बैठ जाएगी, और जहां ये बैठ जाएगी मैं उस घर का मेहमान बन जाऊंगा। अभी कुछ देर चली चली, लोग भी ऊँटनी के पीछे चलते रहे चलते, देखिए क्या मंजर होगा। ले जाइए आज से 1450 बरस पहले जब हुजूर मदीना आए थे, क्या हालात थे होंगे उस वक्त जब हुजूर आ रहे हैं, ऊँटनी जा रही है और एक ऊँटनी के हर एक की नजर, दिल की धड़कने तेज हो रही है कि वो कहाँ ठहरेगा, कहाँ बैठेगा, किधर देखेगा। वो ऊँटनी है कि बस ऐसी शान और ऐसी शौकत के साथ जा रही है, कभी दाएं देखती कभी बाएं देखती, और वो चल रही है चल रही है। जब दाएं बाएं देखती तो धड़कने तेज होता हो जाती कि कहीं यहाँ ना रुक जाए, कोई यहाँ ना रुक जाए। ये तो सादत मंदी की बात थी। हुजूर ने फरमाया, दौड़ो इसको छोड़ो, फिर नहा मामूरा चुन, क्योंकि इसको अल्लाह की तरफ से हुक्म मिल चुका है, ये जहाँ रुकना है वहीं रुकेगी। अभी थोड़ी देर चली थी कि एक जगह रुक गई। अब यहाँ पर क्या कहने साहब, जिसके घर के सामने रुकी वो साहब सामने आए।
रसूलुल्लाह चली वो पीठ बैठ गई। आपने कहा था ये जहां बैठेगी वो मेरा मेहमान खाना होगा। इतने में ऊंटनी उठ गई, फिर पीछे आई, फिर आगे बढ़ी, नौ मरतबा उसने ऐसी चक्कर लगाई। हुजूर ने फरमाया ये मस्जिद नबवी बनेगी, यहाँ मस्जिद बनेगी। ये इशारा था अल्लाह की तरफ से कि यहाँ पर मस्जिद बनेगी। उसके बाद और आगे बढ़ गई और आगे बढ़ गई, इंतहाई इख्तिसार के साथ कि ये चलती रही एक और जगह ऊंटनी बैठना चाही, फिर हुजूर ने उसकी रुखेल ढीली कर दी, तो फिर आगे बढ़ गई आगे बढ़ गई। बिलआखिर हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह अन्हु के घर के पास जाकर रुकी, रुकना ही था। हजरत अबू अय्यूब अंसारी सामने आए और कहे रसूल अल्लाह सामान उतार लो। हुजूर ने फरमाया हाँ उतार लो, क्योंकि ये हमारा मेहमान खाना है। सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि खल्क़िका व आलिही व असहाबिही अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाह।